ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आज मैं आपको एक ऐसा मंत्र बताऊंगा जो मंत्र स्वयं महादेव ने पार्वती के आग्रह से जंगल में रहने वाले आदिवासियों को बताया था। ये साबर मंत्र है और इतना पावरफुल साबर मंत्र है कि इसे जपने मात्र से ही आपको रोमांच होना प्रारंभ हो जाता है। जपने मात्र से ही आपके कार्य सिद्ध होने प्रारंभ हो जाते हैं। जैसे ही आप इस मंत्र को जपना प्रारंभ करेंगे, तुरंत ही आपकी जो समस्या उनका समाधान होना प्रारंभ हो जाएगा। आप जिस भी इच्छा या अभिलाषा को लेकर इस मंत्र को जपते हैं, वह तत्काल पूरी होनी प्रारंभ हो जाती है। यह मंत्र स्वयं महादेव का रचा हुआ मंत्र है। स्वयं महादेव ने यह मंत्र माता पार्वती के कहने से आदिवासियों को दिया था, इसलिए यह मंत्र अपने आप में बड़ा ही पावरफुल मंत्र है। उससे पहले कुछ विशेष जानकारी मैं आपको बता देता हूं। देखो, आपको कुछ कार्य अपने जीवन में ऐसे कर लेने चाहिए जो कि बेहद जरूरी होते हैं। देवादिदेव महादेव, देवताओं के भी देवता, ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, जो उनकी शरण में आकर उनकी भक्ति भाव से उनके निमित्त कुछ भी दान पुण्य करता है तो वह अनंत कोटि हो जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत सारे संत महात्मा, बहुत सारे व्यापारी, बहुत सारे भक्तजन भंडारे इत्यादि करते हैं, मंदिरों में दान देते हैं, लेकिन वह गौण होता है। गौण क्यों होता है? क्योंकि वह अपने आप का दिखावा कर ये सब कुछ कार्य करते हैं। लेकिन आप दिखावा ना करें, आप गुप्त तरीके से दान करें। गुप्त तरीके से कैसे करें? वो इस प्रकार करें कि आप ऐसे मंदिरों को देखिए जिनमें दान कम आता हो, ऐसे मंदिरों को देखिए गांव देहात में जहां पर पैसा बिल्कुल ना के बराबर आता हो, ऐसे मंदिरों में आप चुपके से जाइए, तिल की तेल की बोतल या फिर देसी घी इत्यादि चुपके से रात्रि में रख कर आ जाइए। इससे क्या होगा कि वह जो वहां पर पूजा में दीपक जलता है, वह तेल या वह घी आपका वहां पर लगेगा, जिससे आपको अनंत गुना ज्यादा फल मिलेगा। इसी प्रकार मंदिर में इस्तेमाल होने वाली, पूजा में इस्तेमाल होने वाली सभी सामग्रियों पर यह बात लागू होती है। मंदिर में जो जो चीज आवश्यकता होती है, इन चीजों को आप चुपके से वहां पर रख आइए। जब आप मंदिर जाते हैं तो आप हफ्ते में एक बार अवश्य अपनी जमा पूंजी में से कुछ धन मंदिर में अवश्य छोड़कर आना चाहिए, गुप्त तरीके से रखकर आना चाहिए। दाएं हाथ से दान करते हुए बाएं हाथ को भी ये पता न लगे कि हमने दान क्या किया है, तो वह महादान कहलाता है। ऐसा दान पुण्य करने से आपके यही जन्म नहीं, अगले भी कितने ही जन्म आपके सफल हो जाते हैं, कितने ही जन्मों का आपका उद्धार हो जाता है और आपके घर में धन समृद्धि सब कुछ आती है। देखो, ये संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह संसार में लोग जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। इसलिए अच्छे कर्म सदैव करते रहने चाहिए। आप जो कर्म कर रहे हैं, जो भी आप बिजनेस में कमा रहे हैं, उसमें से कुछ अंश आपको गुप्त रूप से दान अवश्य करना चाहिए। कुछ गरीबों को भोजन करा देना चाहिए, जरूरतमंदों को उनको आवश्यकता अनुसार जिस चीज की सामग्री की, जिस चीज की उन्हें आवश्यकता है अवश्य दे देनी चाहिए। तो इससे जो आपका धन है वह पवित्र हो जाता है, आपकी जो कमाई है वह पवित्र हो जाती है। तो ये कार्य अवश्य करना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं कि वह मंत्र कौन सा है। इस मंत्र को प्रतिदिन सिर्फ और सिर्फ 108 बार जपने से आपको चमत्कारी लाभ होंगे। आप 41 दिन के अंदर ही आपको ऐसे चमत्कारी लाभ होंगे आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि यह स्वयं महादेव का रचा हुआ मंत्र है। मंत्र आप ध्यान से सुन ले। मंत्र है, आद अध धरती आद अंत परमात्मा, जिसके बीच बैठे शिव जी महात्मा, खोल घड़ा दे दड़ा, देखो शिव जी महाराज तेरी इलम का तमाशा। मंत्र एक बार फिर सुन लीजिए,
आद अंत धरती, आद अंत परमात्मा, जिसके बीच बैठे शिवजी महात्मा, खोल घड़ा दे दड़ा, देखो शिवजी महाराज तेरे इल्म का तमाशा। यह मंत्र है, बड़ा ही चमत्कारी, बड़ा ही पावरफुल मंत्र है। इसको केवल और केवल 108 बार आप प्रतिदिन जपें। इसे जपने मात्र से ही तुरंत ही आपको लाभ होना प्रारंभ हो जाता है, तुरंत ही आपकी मनोकामना पूर्ण होनी प्रारंभ हो जाती है। एक बार इसे अवश्य करके देखें। जिस साधक ने इस मंत्र का प्रयोग किया, जिस भी साधक ने इस सदाभाव से भगवान शिव को के सामने इस मंत्र का 108 बार जप किया, उसकी मनोकामना तत्काल पूरी हुई। 41 दिन का समय मैं आपको बता रहा हूँ, 41 दिन तक यदि आप इस कार्य को करते हैं, भगवान शिव के सामने बैठकर 108 बार इस मंत्र का जाप करते हैं, तो अवश्य ही आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। आपके घर में धन समृद्धि सब कुछ आपको मिलता है। आप एक बार अवश्य करके देखें। सभी भक्तों को जय श्री राम।